वेलकम टू माई चैनल। आई एम शहाबुद्दीन अहमद, MBBS फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्लेविकल का अटैचमेंट और साथ ही कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो बहुत ही कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं आपको। तो पहले देखते हैं क्लेविकल का अटैचमेंट। सुपीरियर व्यू आप देखोगे लेटरल साइड में, तो यहाँ पे ट्रेपीजियस होता है, इसको ट्रेपीजियस कहते हैं। ये ट्रेपीजियस TR, और यहाँ पे सुपीरियर व्यू में मीडियल साइड देखोगे आप, ये वाला पोर्शन जो येलो है, ये स्टर्नोक्लीडोमस्टॉइड मसल है। ठीक, स्टर्नोक्लीडोमस्टॉइड और ये ट्रेपीजियस है। ये सुपीरियर व्यू था, इन्फीरियर में आप आओगे यहाँ पे तो ये वाले पोर्शन पे, ये जो रेड में है, और यहाँ पे सुपीरियर में ये वाला भी पोर्शन जो रेड में है, ये दोनों रेड में जो है, ये पेक्टोरलिस मेजर है, पेक्टोरलिस मेजर। और ये मैंने बताया था ये सब क्लेवियन ग्रुप है, सब क्लेवियन ग्रुप का लेटरल साइड में यहाँ पे न्यूट्रिएंट फोरामेन होता है जो क्लेविकल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है। और सब क्लेवियन ग्रुप पे सब क्लेवियस मसल्स होता है यहाँ पे, ये सब क्लेवियस मसल्स। सब क्लेवियस मसल होता है। ये जो मैंने बताया था इम्प्रेशन कॉस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट के लिए, यहाँ पे कॉस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट होता है, और लेटरल साइड में यहाँ देखो है, तो ये डेल्टॉइड है, डेल्टॉइड मसल। और ये जो ट्रेपीजॉइड रिज है यहाँ पे, और कन्वाइड ट्यूबरकल पे, यहाँ पे एक लिगामेंट होता है क्रैकोक्लेविकुलर लिगामेंट, ये दोनों क्रैकोक्लेविकुलर लिगामेंट के यहाँ कुछ पार्ट होता है, यहाँ पे भी कुछ पार्ट होता है। ये क्रैकोक्लेविकुलर लिगामेंट है। तो ये थी क्लेविकल का अटैचमेंट। इसको चलिए एक फ्लो चार्ट में आपको समझाते हैं, जिसको मेमोराइज करना बहुत आसान। तो चलिए क्लेविकल के लिए फ्लो चार्ट देखते हैं। इसको क्लेविकल क्लेविकल के तीन पार्ट होते हैं। पहले ये लेटरल एंड, साइड मीडियल एंड होता है, और मिडिल में साफ्ट होता है। लेटरल एंड को और किस नाम से जानते हैं, एक्रोनियल एंड। ये इम्पॉर्टेंट नेम है, इसको मेमोराइज कीजिएगा, क्योंकि क्लेविकल स्केपुला के जो एक्रोमियम प्रोसेस होता है
वहाँ अटैच होता है। क्लेविकल का लेटरल साइड स्कैपुला के एक्रोमियम प्रोसेस से अटैच होता है, तो इसलिए ये टर्म इम्पॉर्टेंट है। अब चलिए शाफ्ट देखते हैं। शाफ्ट शाफ्ट मैंने बताया था दो पार्ट में डिवाइड होता है, लेटरल वन थर्ड और मीडियल टू थर्ड। लेटरल है, लेटरल साइड फ्लैट होता है, मैंने बताया था आपको, ऐसे फ्लैट होता है। इसके दो ही सरफेस फेस होता है, एक होता है इंटीरियर, दूसरा होता है पोस्टीरियर। दो फेस होते हैं, ये हो गया। एंटेरियर फेस से डेल्टोइड मसल अटैच होता है, कौन सा? डेल्टोइड। और पोस्टेरियर से ट्रेपीजियस। अब मीडियल पोर्शन को देखते हैं। यहाँ पे मैंने बताया था आपको मीडियल पार्ट जो होता है वो क्वाड्रिलेटरल होता है। इसके चार फेसेस होते हैं, चार फेस होता है, इंटीरियर होता है, पोस्टेरियर, सुपीरियर और इंफीरियर होता है। तो चारों पार्ट देखेंगे, उसका अटैचमेंट, उससे कौन सा मसल अटैच होता है ये भी देखेंगे। तो पहले चलिए, ये हो गया इंटीरियर, पोस्टेरियर, सुपीरियर एंड इंफीरियर। अब इनसे कौन सा मसल अटैच होता है ये देखते हैं। एंटीरियर पार्ट से पेक्टोरलिस मेजर अटैच होता है, एंटीरियर पार्ट से पेक्टोरलिस मेजर। पोस्टेरियर से होता है आपको अटैच स्टर्नो हायोइड मसल, स्टर्नो हायोइड मसल। सुपीरियर पोर्शन से अटैच होता है स्टर्नो क्लीडोमास्टॉइड। सुपीरियर से स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड और इन्फीरियर से सब क्लेवियस मसल, जो सब क्लेविन ग्रुप में होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्लिनिकल एनाटॉमी ऑफ क्लेविकल। क्लिनिकल एनाटॉमी ऑफ क्लेविकल में एक डिजीज पढ़ना है, क्लीडो क्रेनियल डिसोस्टोसिस। इस ये डिजीज बाय बर्थ होता है। इसमें दोनों शोल्डर, दोनों क्लेविकल जो होता है राइट और लेफ्ट का, वो एब्सेंट होता है, जिसकी वजह से शोल्डर जो होता है, जिस पर्सन को ये डिजीज होता है उसका शोल्डर ड्रॉप रहता है और शोल्डर अप्रोक्सीमेटेड होता है, मतलब दोनों शोल्डर जो होता है वो चेस्ट जो होता है चेस्ट के फ्रंट पे आके मीट करता है। अब चलिए फिर से एक बार ये फ्लो चार्ट देखते हैं शुरू से क्लेविकल का। ये क्लेविकल जो होता है इसके तीन पार्ट होते हैं, लेटरल एंड यहाँ पे और साफ्ट और मीडियल एंड। लेटरल एंड को एक्रोमियल एंड के नाम से भी जानते हैं। एक्रोमियल एंड, ये लेटरल एंड जो होता है क्लेविकल का, वो एक्रोमियम प्रोसेस ऑफ स्कैपुला से अटैच होता है। और साफ्ट फिर दो पार्ट में डिवाइड होता है, लेटरल वन थर्ड, मीडियल टू थर्ड। लेटरल पार्ट जो होता है क्लेविकल को, वो फ्लैट होता है, उसके दो सरफेस होते हैं इंटीरियर और पोस्टेरियर। इंटीरियर से डेल्टोइड मसल अटैच होता है और पोस्टेरियर से ट्रेपीजियस अटैच होता है। मीडियल जो पार्ट होता है वो क्वाड्रिलेटरल होता है, इनके चार सरफेसेस होते हैं। पहला इंटीरियर, इंटीरियर से अटैच होता है पेक्टोरलिस मेजर, पोस्टेरियर से अटैच होता है स्टर्नो हायोइड मसल,
सुपीरियर जो सरफेस होता है उससे अटैच होता है स्टेनोक्लियोडोमिस्टोइड, और इन्फीरियर सरफेस से होता है अटैच सबक्लेवियस मसल। तो ये था क्लेविकल। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एनाटॉमी ऑफ स्कैपुला, और चलिए कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म देखते हैं जो अक्सर कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, तो उसे आसानी से कैसे मेमोराइज किया जाए कि कन्फ्यूजन नहीं हो। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला टर्म देखेंगे एंटेरियर और पोस्टेरियर। एंटेरियर पोस्टेरियर, इसमें अक्सर कन्फ्यूजन होता है कौन सा साइड एंटेरियर है और कौन सा पोस्टेरियर पोर्शन है। उसी तरह मीडियल और लेटरल में कन्फ्यूजन होता है, मीडियल और लेटरल में, और डोर्सल और वेंट्रल में भी कन्फ्यूजन होता है अक्सर। ये सारे टर्म्स आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तो इसमें एक टर्म्स आप याद रखोगे, जैसे आप पोस्टेरियर याद रखोगे तो इंटीरियर खुद बखुद मालूम हो जाएगा कौन सा मतलब इंटीरियर है और कौन सा पोस्टेरियर। एक को याद रखो, दूसरा अपने आप मालूम हो जाएगा। तो पोस्टेरियर को ऐसे याद रखिए, जैसे आपने देखा होगा ये कोई पोस्टर होता है, जैसे ये पोस्टर होता है तो पोस्टर वॉल पर कैसे चिपकाया जाता है, उसका फ्रंट साइड चिपकाया जाता है या फिर बैक साइड। पोस्टेरियर से पोस्टेरियर से यहाँ से पोस्टर पोस्टर, तो पोस्टर का जो वॉल पे चिपकाया जाता है पोस्टर को, वो बैक साइड से चिपकाया जाता है। या फिर आप किसी वॉल का सपोर्ट लेते हो तो बैक साइड से लेते हो, तो बैक साइड को पोस्टेरियर कहते हैं और फ्रंट को इंटीरियर कहते हैं। अब लेटरल और मीडियल देखते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे मीडियल और लेटरल। ये ह्यूमन बॉडी है, सपोज कीजिए ये ह्यूमन बॉडी है, ये ह्यूमन बॉडी है। तो ह्यूमन बॉडी को बाइसेक्ट करने के लिए यहाँ से सिमेट्रिकल लाइन ह्यूमन बॉडी का ये है, ये सिमेट्रिकल लाइन है। तो इस लाइन के जो नियरेस्ट पॉइंट होता है वो मीडियल होता है, और जो इससे फार अवे होता है उसको लेटरल कहते हैं। और कंपैरिजन जो होता है कभी भी एक साइड से होता है, जैसे कंपेयर यहाँ से इस पार्ट को इस पार्ट से नहीं कर सकते, मतलब दोनों एक ही साइड होना चाहिए तब कंपेयर करोगे। जैसे ये वाला पॉइंट और ये कंपेयर करोगे तो ये सपोज कर लो ये है और बी है, तो ए यहाँ पे मीडियल हो गया और बी लेटरल हो गया। जो पॉइंट सिमेट्रिकल लाइन के नियरेस्ट होता है उसको मीडियल कहते हैं, और जो इससे फार होता है उसे लेटरल कहते हैं। मतलब ये दो पॉइंट के बीच में कंपेयर करोगे तो ये लेटरल हो जाएगा और ये मीडियल हो जाएगा, और फिर एक और यहाँ पे पॉइंट ले लोगे और इन दोनों को कंपेयर करोगे अब, तो ये जो पहले लेटरल था इसके कंपेरिजन में ये अब इसके कंपेरिजन में मीडियल हो जाएगा और ये लेटरल हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं डॉर्सल और वेंट्रल। इसके लिए आप एक कंसेप्ट याद रखोगे, जो दो सेम चार्ज होते हैं, जो सेम चार्ज होते हैं माइनस माइनस सपोज कर लो, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ऐसे ही वी से आप याद रखो, वेंट्रल के लिए वी से होता है वर्टिब्रल कॉलम होता है, वर्टिब्रल कॉलम जो हमारे बैक में होता है। तो वी और बी मैंने यहाँ पे बताया दो सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, वैसे ही वी और बी मतलब सेम जहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम है उसको वेंट्रल नहीं कहेंगे। तो ऐसे मेमोराइज कर सकते हो आप, वेंट्रल जो होता है वो फ्रंट साइज होता है और डोर्सल जो होता है वो बैक साइड होता है ह्यूमन बॉडी का। और एट द एंड वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।